हेलो फूडीज एंड वेलकम टू माय चैनल स्पाइस ट्रेशर्स। आज मैं आपके साथ होममेड एग पफ्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। गाइस, ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पफ पेस्ट्री का डो बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप्स मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद उसमें 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैदे को ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद एक क्रम्बल टेक्सचर फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हम उसमें पानी ऐड करके अच्छे से भून लेंगे। देखिए गाइस, एक सॉफ्ट डो फॉर्म हो चुका है हमारा। इसे अच्छे से भूनने के बाद फाइनली इस पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। उसके बाद उसमें 3 बड़े प्याज कटा हुआ ऐड कर देंगे और अच्छे से सॉर्ट कर लेंगे। अब हम ये प्याज में स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज थोड़ा सा पकने के बाद हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और उसके बाद 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। उसके बाद 1 टीस्पून चिकन मसाला ऐड कर देंगे। और सारे मसालों को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए गाइस, प्याज के साथ मसाले अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमारा स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम पफ पेस्ट्री का डो लेंगे और उसे अच्छे से स्क्वायर शेप में अच्छे से बेल लेंगे। देखिए गाइस, अच्छे से स्क्वायर शेप में बेल लिया है। अब हम उसमें ऑयल लगा देंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा मैदा लेंगे और उसे डस्ट कर लेंगे उसके ऊपर से। अब हम इसे दोनों साइड से ऐसा फोल्ड कर देंगे ताकि इसमें लेयर्स फॉर्म हो जाए। ये हमारी फर्स्ट लेयर है। उसके बाद हम वापस उसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर देंगे। उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और मैदा डस्ट कर देंगे और ऐसे ही दोनों साइड से वापस उसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। ऐसा करने से हमारा पफ पेस्ट्री का लेयर्स बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे वापस बेल लेंगे स्क्वायर शेप में। देखिए गाइस, फाइन थिकनेस में इसे अच्छे से मैंने बेल लिया है स्क्वायर शेप में। अब हमें डो को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद उसे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे।
देखिए गाइस, मैंने पफ पेस्ट्री के डो को अच्छे से स्क्वायर शेप में कट कर दिया है। देखिए गाइस, ये थिकनेस है उसका और उसका अच्छे से लेयर भी आ चुका है। अब हम इसे बेलेंगे और स्टफिंग रखेंगे। देखिए गाइस, मैंने उसके बीच में थोड़ा सा स्टफिंग रख दिया है प्याज का। उसके बाद हम उसमें बॉइल्ड एग रख देंगे। मैंने यहाँ पे हाफ पोर्शन रखा है एग का और इसे चारों साइड से अच्छे से फोल्ड कर देंगे ऐसा। ये देखिए गाइस, हमारा पहला पफ रेडी हो चुका है। अब हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे बाकी पफ के लिए। देखिए गाइस, सारे पफ रेडी हो चुका है। अब हम इसे एग वॉश करेंगे। एग वॉश के लिए मैंने एक एग लिया है और उसे अच्छे से बीट किया है और उसे सारे पफ के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देना है। ऐसा करने से हमारा पफ क्रिस्पी हो जाता है। अब एग के जगह पे दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर कुकर लिया है और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। आप चाहे तो कढ़ाई में भी कर सकता है ये प्रोसेस। अब हम इसमें सारे पफ को रख देंगे और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए गाइस, एक साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे पलट देंगे। दोनों साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और हमारा पफ रेडी हो चुका है। देखिए गाइस, फाइनली हमारा एग पफ्स रेडी हो चुका है। मैंने इसे अच्छे से सर्व कर लिया है केचप के साथ। गाइस, ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी भी है। आप इसे बहुत ही कम टाइम में घर पे बना सकते हैं बिना माइक्रोवेव ओवन के। गाइस, आप सब ज़रूर ट्राई करना, आप सबको बहुत पसंद आएगी। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।